साथियों नमस्कार, मैं रामकिशन यादव, डायरेक्ट सेलिंग की नंबर वन कंपनी सेफ शॉप में आपका तहे दिल से स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आपके सामने हाजिर। अभी मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रूल, जिसके बारे में हमेशा बोलता हूँ कि एक छोटी सक्सेस यदि हमें चाहिए तो बिना उस रूल के हमें वो छोटी सक्सेस मिल सकती है, लेकिन यदि बड़ी सक्सेस चाहिए तो उस रूल के बिना हम बड़ी सक्सेस पर कभी जा नहीं पाएंगे। आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बहुत सारे ऐसे फेलियर्स और असफल लोगों से आप मिले होंगे, जो लोग बोलते हैं कि हम इतने बड़े लेवल से फेल हुए। छोटे लेवल पर आदमी किसी भी वजह से फेल हो सकता है, लेकिन बड़े लेवल पर जाकर के मैं जो रूल बताने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं कारण उस रूल का होता है। उस रूल को फॉलो ना करने की वजह से बड़े बड़े लेवल से लोग फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा, सबसे दमदार, सबसे ज़बरदस्त रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थ्री कार्डन रूल, तीन स्वर्ण नियम, जो कि नेटवर्किंग इतिहास का सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा रूल है। यदि इस रूल को हमने फॉलो कर लिया तो हम बड़े से बड़ा मुकाम इस बिजनेस में हासिल कर सकते हैं। सेफ शॉप में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल करते हुए चले जाएंगे, एक के बाद एक। हम कभी कहीं नहीं रुक पाएंगे। लेकिन यदि हमने इस रूल को तोड़ा और इस रूल को यदि फॉलो नहीं किया तो ये भी तय है कि हम किसी भी जगह से, किसी भी लेवल से हम वापस भी आ जाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ थ्री कार्डन रूल का सबसे पहला नियम, सबसे पहला रूल मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका है कोई भी नया काम करने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें। दोबारा बताता हूँ, कोई भी नया काम करने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग एक्टिव अपलाइन। कोई भी नया काम बिना अपलाइन के चेक कराए नहीं करना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग आते हैं, मैं भी बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, मेरा भी दिमाग चलता था कि ऐसे नहीं सर ऐसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने एक सबसे अच्छा काम कर लिया था, जब भी मेरे दिमाग में कोई विचार आया मैंने मेरे अपलाइन के सामने प्रेजेंट कर दिया जा करके, और उसमें करेक्शन जो होना था वो करेक्शन हुआ। यदि नहीं करना था तो उन्होंने मना किया और मैंने उसको फॉलो कर लिया। सबसे अच्छी बात मैंने की कि मैंने प्रेजेंट कर दिया। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह जब चलेगा तो विचार आएंगे। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपको किसी एक्टिव अपलाइन का जरूर पूछना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपलाइन से नहीं पूछते अपने एक्टिव अपलाइन से, और कोई भी नया विचार ग्रोथ के चक्कर में नए विचार को अप्लाई कर देते हैं और वो करते ग्रोथ के लिए हैं, लेकिन उनको उल्टा नुकसान उठाना पड़ जाता है क्योंकि वो अपलाइन से चेक नहीं कराते हैं। कोई भी नया काम करने से पहले, कोई भी नया विचार अपनी टीम में अप्लाई करने से पहले एक बार अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें, क्योंकि जहां आप चल रहे हैं उस जगह से वो निकल चुका है। जिस रास्ते पर आप हैं उस रास्ते से वो निकल चुका है। जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल को वो क्रॉस कर चुका है। और आज 18 साल सेफ शॉप को हो गया है, 18 साल सिस्टम को हो गया है, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारी एक्सरसाइज करके, बहुत सारे विचारों के साथ आज इतना प्रूफ होकर के ये सिस्टम तैयार हुआ है कि आज यहाँ हजारों लोग सक्सेस ले रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं और इस बिजनेस में और तेज तरक्की करने के लिए नए नए आइडिया, नए नए विचार लेकर के आते हैं, और वो आइडिया बिना बात किए, बिना विचार विमर्श किए हुए, अपलाइन से बात किए हुए अप्लाई कर देते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं थ्री कार्डन रूल का सबसे पहला रूल, कि कोई भी विचार आपके दिमाग में आए अप्लाई करने से पहले एक बार अप्लाइन से जरूर पूछें। बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, फिर अप्लाइन के पास आते हैं और फिर पूछते हैं कि सर ऐसा यदि कर दें तो क्या हो, तो फिर अप्लाइन बोलता है ये हो, फिर बोलता है कि यदि सर किसी ने कर ही दिया हो तो, तो अपलाइन समझ जाता है कि ये शेयर का पट्टा करके आया गारंटी से। तो दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि करके बिगाड़ के पूछें आप, नुकसान करके पूछें आप, इससे पहले आप पूछ लें, क्योंकि अपलाइन आपको सही गाइड करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जिस जगह पर आप हैं उस जगह से अपलाइन निकल चुका है, जिस रास्ते पर आप हैं उस रास्ते से आगे निकल चुका है, तो एक बार अपलाइन से जरूर पूछें, पहला नियम। दूसरा नियम, कभी भी कोई भी नकारात्मक बात अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से ना बताएं। कभी भी कोई नेगेटिव चीज, नेवर पास एनी नेगेटिव टू यूर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी कोई भी नेगेटिव बात डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के सामने प्रेजेंट ना करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस बिजनेस में आ जाते हैं और 5 लोगों की 7-10 लोगों की टीम बनाते हैं और बहुत मार्केट में घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में डाली जाती हैं, या आना चाहिए था उनको अपलाइन के पास प्रेजेंट करने के लिए, समाधान लेने के लिए पहुँच जाते हैं टीम के पास। टीम समाधान नहीं देगी, अपलाइन समाधान देगा। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को टीम के सामने प्रेजेंट करते हैं, अपनी डाउनलाइन के सामने प्रेजेंट करते हैं, या अपनी अपलाइन की दूसरी लेग क्रॉस लाइन के सामने प्रेजेंट करते हैं, और उससे हम अपना नुकसान कर लेते हैं। नुकसान क्या कर लेते हैं, नुकसान ये कर लेते हैं, क्योंकि जो टीम और जो डाउनलाइन और जो आपकी ग्रो लाइन और जो आपके लोग आपके साथ भविष्य लगाने के लिए आए थे, जिनकी उम्मीद थी
कि आपके साथ उनका भविष्य बनेगा, वो आपको रोल मॉडल मान रहे थे, उन्होंने आपकी आंखों में सपने देखे थे, आपके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई थी, और जब उनसे आप नेगेटिव बात करते हैं जा करके तो उनके सपने टूट जाते हैं और वो वहाँ से बिजनेस को क्विट कर जाते हैं कि गलत आदमी के साथ मैंने बिजनेस को लगाया था। दोस्तों हमेशा टीम को यदि आपको देना है तो हमेशा आप टीम को आशाएं दें, हमेशा आप टीम को मोटिवेशन दें, हमेशा आप एक्साइटमेंट दें, जोश जुनून दें, टीम को जज्बा दें, और कोई भी चीज़ आपके दिमाग में यदि गलत आती है तो अपने अपलाइन के पास सीधे पहुँच जाए क्योंकि समाधान वहाँ मिलेगा। मेरे साथ पिछले 10 साल में बहुत बार ऐसा हुआ जब मेरे दिमाग में नेगेटिव बातें आई लेकिन मैं सीधा अपलाइन के पास चला गया, मैंने कभी भी अपनी 500 छापने वाली मशीन में उंगली नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, दो लोग हैं, दो बच्चे नए नए पैदा हुए हैं, बेचारे नवजात शिशु हैं, उन्हीं को पैदा करते हैं और उन्हीं का गला घोट देते हैं, उन्हीं के सामने ऐसी बात प्रेजेंट कर देते हैं। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट लेट आ जाता है, हम प्रेजेंट कर देते हैं अपनी टीम के सामने, अभी तेरे को पता है कि प्रोडक्ट बहुत लेट आते हैं आजकल, अरे टीम थोड़ा समाधान देगी इस चीज़ का, भाई साहब टीम को तो पता ही नहीं था ये बात आपने बता दिया, अरे आपको पता है चेक बहुत लेट आता है, अरे आपको पता है आजकल मार्केट में ये कंपनी चल रहा है, आपको पता है आजकल सेफ शॉप में ये चल रहा है, आपको किसी ने बताया, आपने टीम को बताया, वो फेक खबर थी, वो गलत खबर थी और आपने अपनी टीम में भी फॉरवर्ड कर दिया और टीम का नुकसान हो गया। उसके बाद आप कितनी भी सफाई यदि आप टीम में देंगे तो आपकी टीम आपकी बात नहीं मानेगी। तो हमेशा टीम को मोटिवेशन दीजिए, जोश दीजिए, जुनून दीजिए, आशाएं दीजिए, सपने दीजिए, कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ टीम को नहीं देना है, ये 3 कार्डिनल रूल का दूसरा नियम बोलता है। क्योंकि जितने लोग अपने टीम से नेगेटिव बात करते हैं उनकी टीम कभी ग्रोथ नहीं कर पाती, कभी टीम आगे नहीं बढ़ पाती, उस अपलाइन को वो टीम छोड़ के चली जाती है जो टीम के साथ नेगेटिव बात करता है, वो शिफ्ट हो जाती है, वो कहीं और चली जाती है, वो छोड़ जाती है, वो अपनी नौकरी में चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनको एक ऐसा अपलाइन नहीं मिला जो सपने दे सके, जो आशाएं दे सके, जो जुनून दे सके, जो जोश दे सके, जो एक्साइटमेंट दे सके। तो यदि एक चीज़ है जो आप अपनी टीम को दे सकते हैं तो आपको जोश देना है, दमदारी देनी है, आपको कोई नेगेटिव बात नहीं देनी। स्वाभाविक है आपके सामने नेगेटिव बातें आना, लेकिन हर चीज़ का समाधान आपको आपके अपलाइन के पास मिलेगा, दौड़ के चले जाइए। कभी भी अपनी टीम को आपको नेगेटिव नहीं करना, टीम को नेगेटिव करने का मतलब है अपने नीचे खुद बम लगाना और रिमोट कंट्रोल टीम के हाथ में देना। अब टीम आपका मजा लेगी कब दबाऊं, और जिस दिन दबा देगी उस दिन आप उड़ जाएंगे। तो ऐसा काम ना करें कि आप बम लगाएं अपने नीचे टीम को रिमोट कंट्रोल दें, ऐसा काम आप बिल्कुल ना करें, यदि आप करेंगे तो इससे आपका नुकसान होगा, ये दूसरा नियम बोलता है। कोई भी काम अपनी टीम से आप नेगेटिव बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं, जब हम क्रॉस लाइन से अपनी को लाइन से जब हम नेगेटिव बात करते हैं, जब हम कोलाइन से नेगेटिव बात करते हैं तो इसमें हमारा नुकसान नहीं है, उसमें हमारे अपलाइन का नुकसान है। लेकिन दोस्तों कभी भी आप पैसे के साथ साथ यदि इज्जत कमाना चाहते हैं तो आपको हमेशा कोलाइन को भी आपको जोश जुनून देना है, उसको भी जज्बा देना है, उससे भी आपको नेगेटिव बात नहीं करना। यदि आपको इज्जत और सम्मान चाहिए तो कभी भी आप क्रॉस लाइन से भी कोलाइन से भी आप नेगेटिव बात ना करें, ये 3 कार्डिनल रूल का दूसरा नियम बोलता है। तीसरा नियम 3 कार्डिनल रूल का बोलता है, किसी के धन के साथ, किसी के अहंकार के साथ, किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें और इस बिजनेस में शराब का सेवन ना करें। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है नेटवर्किंग इतिहास में, इस बिजनेस में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद जब उसके पास पैसा आ जाता है तो किसी के भी ईगो को हर्ट कर देता है, किसी के भी परिवार के साथ खिलवाड़ कर देता है, किसी के भी धन के साथ खिलवाड़ कर देता है, किसी भी चीज़ में जाकर के कुछ भी कर देता है, अपना गलत हैबिटें अपने अंदर डाल लेता है, शराब का सेवन करना शुरू कर देता है। और दोस्तों नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों का बिजनेस है, और लोगों के बीच में रह करके आप ये गलत हरकत कर नहीं सकते, और करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, आपको उसको भरपाई आप कभी जीवन में कर नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बार आप ये छोटी सी गलती करेंगे लेकिन इसका नुकसान आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। यदि एक छोटी सी गलती नहीं करते आप तो वो लोग आपके साथ जीवन भर साथ रहते, लेकिन आपने एक बंदे का ईगो हर्ट कर दिया, किसी भी चीज़ को लेकर के, उसकी इनकम को लेकर के ईगो हर्ट कर देते हम उसका, उससे हम उसकी एजुकेशन को लेकर ईगो हर्ट करते थे, हम पूछ लेते हैं भाई साहब क्या करते हो आप, वो बोलता है हमें कि साहब मैं बीएड करता हूँ, तो हम उसका तुरंत उसका मैं ईगो हर्ट कर देते हैं कि सर बीएड करते हो बस, इससे क्या है दुनिया कर रही है, ये आपको सम्मान करना है उसके एजुकेशन का। आप पूछ लेते हो सर कितना कमाते हो, बताता है 30,000 कमाते हैं, हम उसको तुरंत डायलॉग मार के बोल देते हैं, चाहे हम खुद 10,000 कमाते हैं उसको डायलॉग मार देते हैं, सर 30,000 में काम चल जाता है आपका, नहीं 30,000 का सम्मान करना है, सर वेल डन सर वेरी गुड आप बहुत अच्छा काम करते हैं। किसी का ईगो हर्ट करना आपका कोई अधिकार नहीं है, किसी के धन के साथ खिलवाड़ करना कोई अधिकार नहीं है। धन के साथ खिलवाड़ हम कैसे करते हैं, हम लेन देन करना शुरू कर देते हैं, हम लेन देन करना शुरू कर देते हैं, और जब हम लेन देन करना शुरू करते हैं किसी से भी तो दोस्तों हमें समय पर होता नहीं,
नहीं है और हम उसको छोड़ आदमी को छोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, उसका पैसा लौटाना पसंद नहीं करेंगे, तो हम पैसे के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। दूसरा तरीका पैसे के साथ खिलवाड़ करने का क्या है, लेन देन के साथ साथ, कि कोई भी व्यक्ति जब हमारे साथ ज्वाइन करता है तो एक मकसद के लिए ज्वाइन करता है, एक पर्पज के लिए ज्वाइन करता है कि मैं भी इस बिजनेस में आने के बाद जीवन लगाऊंगा, मैं भी इस बिजनेस के बाद जीवन बनाऊंगा, मेरे भी सपने पूरे होंगे। लेकिन हम छोटी सी गलती क्या करते हैं, जिस मकसद और जिस पर्पज के लिए हमें पैसा देता है हमारे हाथ में, उस पर्पज तक हम उस पैसे को पहुंचाते नहीं है, उस जगह तक हम उस पैसे को पहुंचाते नहीं है, हम बीच में ही उस पैसे का मिसयूज कर देते हैं, वो बीच में ही उस पैसे को हम यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी हमसे नेगेटिव हो जाता है। पैसा हमें फिर भी देना पड़ता है, लेकिन हम उस आदमी को खो देते हैं जो जिंदगी में हमें करोड़ों रुपया कमा के देता, जो जीवन में हमें लाखों का नेटवर्क बना के देता, एक छोटी सी गलती की वजह से हम उसको छोड़ के चले जाते हैं, हम उसके साथ ये खिलवाड़ कर देते हैं। दोस्तों ये तीसरी चीज मैं बता रहा था, इसमें शराब का सेवन बहुत गलत है। नेटवर्क में शराब का सेवन ना करें, यदि आपको आदत है, पूरी हैबिट है, पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगा आप बिल्कुल छोड़ दीजिए इस चीज को, क्योंकि इसके नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। फिर भी आपको पुरानी कोई लत है, समय लगेगा, तो आप जब घर पे बिजनेस से फ्री होकर के आप चले जाते हैं घर पे, उसके बाद जाकर के आपको जो भी करना है वो कीजिएगा। नेटवर्क में और काम करते हुए फील्ड में आपको कभी भी शराब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जब आप करेंगे नेटवर्क के साथ तो नेटवर्क की नजरों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी और नेटवर्क आपकी बातों को नहीं मानेगा। कभी भी पीने के बाद आप बहक गए, बहकने के बाद आपको किसी को भी आप गलत बात बोल सकते हैं और बोलने के बाद जिंदगी भर के लिए आदमी आपको छोड़ के चला जाएगा, तो शराब का सेवन ना करें। तो दोस्तों ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, तीन नियम स्वर्णिम नियम आपको बताए, यदि तीनों नियमों को आज से आप फॉलो करना शुरू करते हो तो सेफ सोप में जितने भी बड़े से बड़े मुकाम बने हुए हैं, वो सिल्वर से लेकर के हो क्राउन एम्बेसडर तक का हर मुकाम को आप हासिल करेंगे और लगातार सक्सेस पे बढ़ते हुए चले जाएंगे, और एक सपने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हर सपना आप पूरा करते हुए चले जाएंगे। किसी भी सपने पे आप रुकेंगे नहीं, कहीं भी किसी भी सक्सेस पे आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि रुकने का एक ही कारण है, ये थ्री कार्डन रूल, इसको यदि फॉलो नहीं किया गया तो आप किसी भी सक्सेस पे, किसी भी बड़ी से बड़ी सक्सेस पे जाकर रुक जाएंगे, लेकिन यदि इसको फॉलो किया गया तो बड़ी से बड़ी सक्सेस जो भी बनी हुई है सेफ सोप में, वो हर सक्सेस आपको हासिल होगी। जितने भी लोगों ने लेकर के दिखाई है वो बड़ी सक्सेस आपको हासिल होगी। तो मुझे उम्मीद है आपसे, इस बात के साथ मैं विदा लेता हूं कि आप इस नियम को जरूर फॉलो करेंगे और इस नियम को लगातार फॉलो करते हुए अपनी टीम में फॉलो करवाएंगे, टीम में फॉलो करवाते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस पर आप पहुंचेंगे, सेफ सोप की सबसे बड़ी सक्सेस पर पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हिंद, जय भारत।